अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूरिस किचन। तो चिकन टिक्के के लिए हमें चाहिए होगा। चिकन लिए मैंने 400 ग्राम। मैंने ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, और 1 चम्मच धनिया पत्ता डाल दिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दिया, और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है मैंने। और इसमें हम 2-3 चम्मच दही डाल देंगे। आप चाहे तो नॉर्मल डालें, आप चाहे तो हंकड़ भी डाल सकते हैं। ये रोस्टेड बेसन है जिसे मैंने पानी में मिक्स कर लिया था। 1/2 स्पून मैंने इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल दिया, और मैंने सॉल्ट 1/2 स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कोरिएंडर पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला है मैंने 3 टीस्पून मैंने करीबन डाला है, और 2 से 3 पिंच यानी 2 से 3 चुटकी मैंने हल्दी डाली है, और 2 छोटे चम्मच डाली है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, और फूड कलर डाल दिया है 2-3 पिंचेस। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से हमें इसे मिला लेते हैं। इसमें 1 से 2 चम्मच हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल यूज़ करें जिससे इसकी अच्छी बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी इसकी। और इसको करीबन हम मिक्स करके छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो रेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। ऑयल मैंने हीट कर लिया है, तो अब हम इसे चिकन के पीसेस को ऐड करते हुए जाएंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, चिकन के पीसेस को ऐड करते हुए जाएं। इस तरीके से हम सभी चिकन के पीसेस को ऐड कर लेंगे पैन में। तो देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया है चिकन के पीसेस को अच्छे से। अब इसे 2 से 3 मिनट मैंने छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आ चुका है इसका, गोल्डन गोल्डन आ चुका है। यानी हमारा चिकन टिक्का एक तरफ से बिल्कुल ही अच्छे से सिक चुका है। हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। तो सभी चिकन के पीसेस को मैंने अच्छे से पलट लिया, और इसे भी दूसरी साइड भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे। तो बस हमारा चिकन टिक्का इसी तरीके से बनेगा और रेडी हो जाएगा। तो चिकन टिक्का हमारा रेडी है।